दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। गर्मी से बेहाल कंडक्टर ड्राइवर सोते हैं बसों की छत पर। गर्मी से बेहाल ड्राइवर कंडक्टर सोते हैं एसटी की बसों की छत पर। नागपुर राज्य सड़क परिवहन महामंडल की बसों के कई ड्राइवर कंडक्टर अपर्याप्त सुविधा के चलते हॉल्ट के दौरान बसों की छत पर सोने के लिए मजबूर है, जिससे कभी भी अनहोनी की आशंका बनी रहती है। संबंधित प्रशासन पर इनके लिए पर्याप्त व्यवस्था करने की जिम्मेदारी है। बावजूद अभी तक कई गांवों में व्यवस्था नहीं हो सकी है। हाल ही में राजूरापुरी गांव में एक ड्राइवर की बस के छत से नीचे गिरने से मौत हो गई थी। सूत्रों के अनुसार वह बस की छत पर सोने के लिए जा रहा था। इस तरह के हादसे की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए ग्रामीण इलाकों में बस ड्राइवर व कंडक्टरों के रहने की पर्याप्त व्यवस्था होना जरूरी है। यह बसें यात्रियों को छोटे से छोटे गांव तक पहुंचाती है, जहां निजी वाहनों से जाना मुश्किल रहता है। इन गांवों तक बस लेकर जाने वाले चालक वाहनों को रात में काफी परेशान होना पड़ता है। दरअसल आखिरी बस रात 10 के बाद पहुंचने पर, क्योंकि यह बस सुबह गांव से चलानी होती है, ऐसे में आखिरी बस लेकर जाने वाले ड्राइवर व कंडक्टरों को नागपुर विभाग अंतर्गत रिधोरा, गोटन गाँव, राजूरापुरी, वग, चारगांव, सिरसी आदि छोटे छोटे गांव में रात गुजारनी पड़ती है। गांव वालों से कोई मदद नहीं मिलने के कारण इन्हें बसों में ही सोना पड़ता है। बारिश व ठंड में जैसे तैसे बस में रात निकल जाती है, लेकिन गर्मी में मच्छरों के बीच गर्मी से बेहाल होना पड़ता है। ऐसे में कई ड्राइवर व कंडक्टरों को बस की छत पर जान खतरे में डालकर सोना पड़ता है, जो कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।